सत्संग का समय हो गया, सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण की प्रचार का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की भोपार कहानी है। जीवात्माएं भोपार दो सागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों उस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरेत्रो मुद्दतो सुरेत्मा मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी, अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा। उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सदगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये सब धोखा, ये इतना बड़ा धोखा है, जिसकी रुपए पर जिसकी कीमत रुपए पैसे से नहीं चुकाई जा सकती। सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती, और ना ही एक किराए पर चलती है। जब जैसी उनकी मौत मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है, तो वो दया की बरसात कर देती। अब ये है उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भग जाते। इसी वो कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा जब मेरी संगत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती, ऐसे एक दिन मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए तो कुदरत छटनी भी करेगी। ये सब इशारे पहले आपको बताए जाते थे।
कहा था जब मेरी संगत पड़ेगी तो बच्चा मैं एक छोटी सी परीक्षा दूंगा, मैं देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी गति का आशिक है, कौन धन दौलत सामान का आशिक, कौन मान सम्मान का आशिक है। कहा बच्चा ये सब देखूंगा कि कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, किसको गति चाहिए, किसको गुरु चाहिए, किसको मुक्ति चाहिए, किसको भक्ति चाहिए, किसको सामान और सम्मान चाहिए, ये सब तुम्हारे सामने नजरअंदाज होगा। उसी समय आपको पहचान लेना चाहिए कि असली काम कहाँ हो रहा। बहुत दुकानें लग गई समय जगह जगह और सब इसी बात की हामी भर रहे कि सतयुग लाएंगे, सतयुग लाएंगे। अरे पहले कलयुग तो भगाओ, तब सतयुग आएगा। गंदगी में कोई पूजा कोई रहना स्वीकार करता ही नहीं। अभी तो घोर कलयुग है, इतनी गंदगी की जीना मुश्किल है। सच्चे अच्छे ईमानदार लोगों को मुश्किल से रोटी मिल पा रही है। इतनी बड़ी गंदगी, जब तक ये गंदगी नहीं हटेगी तब तक सतयुग नहीं आएगा। जो इस गंदगी को हटा देगा वही सतयुग ला सकता है। इस बात को गांठ में बांध लीजिए आप, क्योंकि इस समय बहुत दुकानें लग गई जगह जगह। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। तो हमने कहा भाई करके दिखा दीजिए, कहते क्यों? अगर तुम्हारे वश की बात है तो कलयुग को भगा दीजिए और सतयुग को ला के दिखा दीजिए। और सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार को सब में भर दीजिए तो मान लिया जाएगा कि हम तुम सतयुग ला सकते। लेकिन कहने से नहीं, करने से। वो करने वाला कराने वाला चाहिए। किसने किया होगा वो करा देगा, किसने सुना होगा वो सुना देगा, किसने पढ़ा होगा पढ़ के बता देगा, लेकिन जिसने किया होगा वो करके दिखा देगा। इसी बात की तो आपको पहचान करनी चाहिए। यही छटनी और कटनी का विषय है जो बड़ी जोरदारी से समय चल रहा है। मैं यही सुनता हूँ चारों तरफ कि आवाजें आ रही, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो उन्हें भाई कब करोगे, तारीख तो बता दीजिए उसे, करोगे कब? अभी तक इतना समय निकल गया 70 साल की आजादी का, तब तो किसी ने करके दिखा नहीं पाया। सबने हामी भरी, कितनी पार्टियां बनी, कितने चुनाव हुए, कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री आपने बदले, लेकिन बदलाव हुआ समाज का, देश का, लोगों के अच्छे सच्चे खान पान का कोई बदलाव हुआ? तो ये यानी मतलब तो सरकार बदलने से क्या लाभ? जब तक वो कोई बदलाव करके न दिखाएं जिससे समाज में सुख और शांति मिले, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिले, बेरोजगारी खत्म हो जाए, महंगाई समाप्त हो जाए, टैक्सों की भरमार रुक जाए, तब तो माना जाए कि हाँ काम हुआ। ये काम किसी के बस का नहीं। अगर बस का होता तो बाबा जी ये क्यों कहते कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। भाई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। जय गुरुदेव। ये आपने बुला दिया सर, तभी लोग ये हामी भर रहे हैं, तभी तरह तरह के नाटक दुकानें लगा के दिखा रहे हैं। अगर सब सद्गुरुदाता दयालु के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचन आपको याद होते, उनके वादे संकल्प प्रतिज्ञा याद होती तो तुम्हें कोई बरगला नहीं सकता, कोई भूल भ्रम पैदा नहीं कर सकता। क्योंकि जो वादा बाबा जी ने किया है वो सृष्टि में आप तक किसी ने किया ही नहीं, और जो काम करने की रीत जो नींद बता रहे वो किसी के पास नहीं है। बाबा जी ने ये सब कुछ पहले ही बता दिया कि ये हमारे प्रेमियों को कहीं शंका ना हो जाए, कोई भूल भरम ना हो जाए,
कोई स्वार्थी लोभी लालची इनको अपने स्वार्थ रूप लालच में फंसा न सके, बहका न सके, अच्छे सच्चे रास्ते से हटा न सके, इसलिए बाबा जी ने सब पहले ही बता दिया था। कहा मैं क्या करने आया हूँ, कहा मैं कलयुग को भगाने आया हूँ और सतयुग को लाने आया हूँ। क्या ये किसी ने आज तक कहा है, या पहले किसी ने ऐसा कहा था कि आज कोई ऐसा कह रहा है कि आगे कोई ये कह सकेगा? ये सब आपको विचार करना चाहिए था। गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते, असत्य नहीं होते, वो तो करके दिखाने का दावा करते, केवल सुनाते, भाषण स्पीड नहीं करते, करने का वादा अब करके दिखाने को हमेशा तैयार रहते हैं। यही कहा था कि बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। क्या कोई इंसान ने कभी इतिहास बनाया है? सतयुग का इतिहास क्या राजा हिरण्यकश्यप से बना या भक्त प्रहलाद से बना था? क्या त्रेता का इतिहास विद्वान ब्राह्मण रावण से बना या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बना? द्वापर का इतिहास राजा कंस के नाम से बना या परिवर्तनकारी शक्ति कृष्ण के नाम से बना? अगर तुम इतिहास को पढ़ लेते हैं फिर भी तुमको कोई शंका नहीं। कलयुग का जीव हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने तीन तीन युगों का अच्छा इतिहास लिखा रखा, अच्छी उम्र वालों का, अच्छे मन की ताकत वालों का, इंद्रियों के त्याग वैराग का, अच्छे खान पान अच्छे कर्म करने वालों का इतिहास तुम्हारे सामने रखा। अगर उसी को आपने पढ़ लेते तो आज कलयुग का इतिहास सबसे अच्छा होता। लेकिन हमको तो सबसे खराब दिखाई दे, इतने खराब कभी समय नहीं आया। लोग चिल्लाते रहे, झूठी आवाज लगाते रहे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, इतने बुरे आ गए जो कभी नहीं आए थे। इतना बुरा समय कभी नहीं आया। 350 वर्ष इसी भारत भूमि पर मुसलमानों ने राज किया, लेकिन इतनी मारकाट हिंसा और इतना महंगाई और इतने टैक्स और इतनी बेरोजगारी कभी नहीं, इतने जीवों की हिंसा कभी नहीं कराई जितनी आज हो रही है। प्रेमियों, इसी भारत भूमि पर 250 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, उनका इतिहास पढ़िए। इस तरह का अन्याय, इस तरह की लूटपाट, इस तरह की बेरोजगारी, इस तरह की महंगाई और इस तरह की हत्याएं, हिंसाएं, लूटपाट कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। ये सब क्या है, इसी बात को आपको समझना चाहिए। अगर ये सब कर देते तो बाबा जी ने 70 साल का इनको समय दिया। 70 साल में कुछ नहीं, बल्कि और परेशानी, मुसीबतें, यानी तरह तरह की दिक्कतें बढ़ती चली जा रही, कहीं पर सुख शांति नहीं मिल रही, जिसके लिए बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूले जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या ये छोटे मोटे वादे हैं? ये छोटी मोटी बात है किसी की बस की? अरे देख तो रहे तुम्हारे सामने क्या हो रहा, क्या वादे करते क्या करते। ये वादा खिलाफी, ये दंगेबाजी, ये झूठ छल कपट, ये ज्यादा दिन नहीं चलता। इसकी जड़ बहुत कमजोर होती और सत्य की जड़ बहुत मजबूत होती है। इसीलिए
सत्य कभी पराजित होता ही नहीं, और सत्य है संतों के पास। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक सत्ययुग, सत्य का युग नहीं आएगा, सत्य समाज नहीं तैयार होगा, सच्चे अच्छे गुण वाले लोग नहीं आएंगे, ये सब तुम्हारे सामने होके गुजरेगा। इसलिए एक एक बात को सुनिए, ये रक्षाबंधन का पर्व, तो उस पर ये चार दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, शोभा यात्रा को मिला के पांच दिन। आज तो पहला दिन है, इसलिए मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी लोग भारी संख्या में आएंगे। सत्संग मैं कल से प्रारंभ करूंगा, सुचारू रूप से कल से प्रारंभ करूंगा, जो आपने कभी सुना नहीं होगा वो कल आपको सुनाऊंगा। आज तो आपसे पूछने आया हूं कि जो जो वादे तुम्हारे सामने किए गए, बाबा जी को आपने अपना गुरु बनाया तो गुरु की महिमा भूल गए, गुरु का काम भूल गए, गुरु की मर्यादा सब भूल गया। क्या किसी गुरु का ऐसा इतिहास तुमने पढ़ा है, किसी गुरु ने कोई समाज देश के लिए वादा किया हो, संकल्प दिया हो, प्रतिज्ञा की हो और न पूरा करके दिखाया हो, बिना पूरा किए ही, बिना बताए यानी मर के चला गया हो, ऐसा कोई इतिहास है आपके पास? किसी गुरु का, किसी संत सदगुरु का, किसी ऋषि मुनि का, अवतारी शक्तियों का, यानी कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास है जिसने देश समाज की उन्नति उत्थान प्रगति के लिए कोई प्रतिज्ञा की हो, वादा किया हो, संकल्प लिया हो और न पूरा कर पाया हो, और बिना पूरा किए और बिना बताए यानी मर के चला गया हो? फिर आपने अपने मालिक के पद कैसे समझ लिया? अभी तो किसी काम की शुरुआत ही नहीं हुई, ये लोभी लालची स्वार्थी बाबा जी के जाने की शुरुआत बता रहे, चले गए कहते कभी नहीं आएंगे। हमने कहा वो कभी नहीं जाएंगे, जब तक हमने जीवों को जिनको नाम दान दिया है, एक एक जीव को जब तक घर नहीं पहुंचा लेंगे। कहा था मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। फिर आप कैसे मान बैठे, कैसे समझ लिया? कम से कम किसी के भजन वादों पर तो ध्यान दो, क्योंकि संत संत वचन पलटत नहीं, पलट जा ब्रह्मांड। कितना साफ साफ शब्दों में लिखा है कि संतों के वचन कभी झूठे नहीं होते, चाहे ब्रह्म अपने ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, ऐसे वो जाने वाले नहीं है। बाबा जी ने क्या कहा था, जिनको मैंने नाम दान दिया है, जब तक एक भी जीव हमारा यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा, जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। क्या तुम्हारी जीवात्मा चली गई, मालिक से मिल गई? क्या तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारे पास परमों को माफी मिल गई, जो तुम कहते हो कि माफी दिलाने वाला चला गया? कितनी छोटी खोटी तुम्हारी समझ है कि अपने गुरु के बारे में नहीं पहचान पाए, और तो सबको छोड़ दो, ये समृद्ध दाता सतगुरु दयाल ने अपना इतना बड़ा परिचय इस धरती मंडल पर दिया है, किसी ने नहीं दिया। 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी लगातार 60 वर्ष हमें आपको जगाया, चिताया, समझाया, सुनाया और सिखाया, और हमें आपको नाम दान देकर जीवात्माओं को घर जाने का सच्चा वादा किया, और आप सब भूल गए। एक भी बात तुम्हारी समझ में नहीं रही, कितनी भूल भटक में आप चले गए।
इतना तो कम से कम सोचना चाहिए कि बाबा जी ने अपने मन से कहा क्या है। कहा था बच्चा ये धरती आसमान की जगह चली जाए, आसमान धरती की जगह ले ले, अब सूरज पूरब में निकलता है पश्चिम में निकलने लगे ये भी तुम मान लेना, लेकिन जो मैं इस मंच पर बैठ कर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। फिर आपने कैसे बुला दिया सर? इसका मतलब मथुरा जाने का, दर्शन करने का, सत्संग सुनने का, सेवा देने का, सेवा करने का, नाम गान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? यानी सब झूठ सब धोखा? क्या आपने झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया था? क्या झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया था? क्या आपको आपने धोखा पाने के लिए नाम दान दिया था? क्या गुरु ने तुमको धोखा देने के लिए नाम दान दिया था? कम से कम इतनी बात तो समझ ही लेनी चाहिए थी। इतना समझाने का काम, सुनाने बताने का इस धरती पर किसी ने नहीं किया है इतना बाबा जयपुरदेव जी महाराज। अब आप उन्हीं को भूल गए, उन्हीं को नहीं पहचान पाए, उन्हीं के वादों को, संकल्पों को, प्रतिज्ञाओं को आपने भुला दिया, तो फिर तुम्हारा भला कहाँ होगा? जिनकी शरण चरण छोड़कर जहां गए हो वहां कोई भला करने वाला है? वहां कोई देने वाला है कि तुमसे लेने वाला है? सब तुम्हीं से सेवा मांग रहे हैं, मान मांग रहे हैं, सम्मान मांग रहे हैं, सामान मांग रहे हैं। अगर मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, देने वाले को दाता और मांगने वाले को भिखारी। तुमने ये भी नहीं समझा कि भिखारी किसे कहते हैं, दाता किसे कहते। जितना परिचय है सच्चाई का बाबा जी ने दिया उतना इस धरती पर किसी ने किया ही नहीं। इतनी हमदर्दी लेके कोई आया ही नहीं जो इस तरह की आवाज लगाता और ये कहता कि जिनको मैंने नाम दान दिया है जब तक उनकी जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा, चाहे हमको 400 वर्ष इसी शरीर में क्यों न रहना पड़े लेकिन मैं ये काम करके जाऊंगा। आपको ये सब विचार करना चाहिए था, लेकिन विचार कैसे करोगे जब पहले से कुविचार प्रवेश कर गया, वहां शुभ विचार कैसे आएंगे? इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ। आज सत्संग का पहला दिन है इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूं और दाता दयालु के वचनों को बताने आया। जो तुम्हारे साथ हुआ या जिन्होंने किया वो सब मैं खोल के आपके सामने रखूंगा। वैसे मैंने कुछ बाकी नहीं रखा। ये कुरमोटा की भूमि है, यहीं से मैंने जन जागरण का संदेश प्रारंभ किया था। यहीं से पहली पूर्णिमा मैंने जो मैंने जन जागरण का काम प्रारंभ किया है उस वर्ष की पहली पूर्णिमा इसी स्थान पर मनाई थी। कितनी भारी भीड़ थी, लोग ये सुनने आए थे कि सारे हिंदुस्तान में तो बाबा जी का लोग कहते मर गए चले गए, ये कैसा आदमी आया है जो कह रहा बाबा जी जीवित है, मैं वही व्यक्ति हूँ। तब से मैं लगातार इस हिंदुस्तान की भूमि पर यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने जीवित होने का पूरा दावा किया है, पूरा यानी आपको भेद खोला है, सारा भेद खोल दिया। अब तो इनको घबराहट हो गई कि ये क्या हो गया। हमने कहा सत्य पराजित नहीं होता, तुम्हारे कहने से बरगड़ाने से चलो प्रेमी इधर उधर हो गए, जो कम जानकारी रखने वाले थे, जो बहुत थोड़े समय के
नामदारी थे, थोड़े समय में नाम डाल लिया। उन्होंने बाबा जी का पूरा संदेश नहीं सुना था, वो बेचारे गुमराह हो गए, इधर उधर चले गए। लेकिन मैं देखता बड़े बड़े पुराने, वो इतने पुराने कि जीव शीर बेकार ही हो गए, ज्यादा पुराना फट जाता बेकार हो गया। ये सब पुराने कहां चले गए? इन्होंने, मैंने पूछा, तुमने नामदार किससे लिया? मैंने पूछा लोगों से कि आपने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? सत्य बोलिए, सच्चाई को क्यों छिपा रहे हो? आपको नामदान गुरु महाराज ने दिया या किसी चेले ने दिया है? आप सबका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निर्धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम सब चेले कहां गए? नामदान गुरु से लिया, आज तुम्हारा गुरु ने पकड़ा, वादा करने का दावा गुरु ने किया, जीवात्मा को जगा कर घर पहुंचाने का संकल्प गुरु ने लिया, और तुम चले कहां गए? अब ये देखो, तुम चले कहां गए? जीव समरस ताता त्यारू ने पहले नाम जगाया, जो नाम को जगाएगा वही नाम लेने का अधिकारी बनेगा, उसी से नाम लोगे तो फलीभूत होगी। अगर 10 साल के बच्चे ने बाबा जी से नामदान सुन लिया है, वो भी तो सुना देगा। क्या सुनाने वाला बच्चा कुछ दे भी सकता है? वो सुनाने वाला नहीं, देने वाला। देने वाला कौन? जो सतलोक सचखंड अनामी धाम से आया और नाम को जगाया और सिद्ध किया, नाम का प्रचार किया, उसी नाम से जीवात्माओं को जगाया और नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को घर पहुंचाने का वादा किया, उसको कहते हैं देने वाला। तुम्हें कोई जानकारी है नहीं, ऐसे मथुरा जाते रहे, घूम फिर के लौट आए, बीआरपी भंडारे ढूंढते रहे, वहां भाषण किया, प्रचार किया, प्रेमियों से सेवा बटोरी और 60% उन ठेकेदारों को दे दिया और 40% लेके तुम घर आ गए। आज भी ये काम हो रहा, कमीशन एजेंसी आज भी तो हो रही। वो कमीशन एजेंट मेरे कार्यक्रम में नहीं आएगा, आएगा तो कुछ समझ नहीं पाएगा, और उसकी समझ में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि वो देखेगा कि हमारे विपरीत कह रहे हैं, जबकि सच्चाई और अच्छाई यही है जो समझ से खोल के कही जा रही है। इतने डंके के चोट पर कोई कहने वाला हिंदुस्तान में है? जब मैं निकला 18 मई 2012 की घटना है लीला, और ठीक 28 मई 2012 को मैं निकल पड़ा, सबसे पहले मैं प्रशासन को यह सूचना देने गया बाबा जी की, दिल्ली पहुंचा, वो जंतर मंतर नाम से जो भूमि जानी जाती, जहां लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते, मैं कुछ प्रेमियों को साथ में लेकर वहां पहुंचा। प्रेमियों ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ज्ञापन दिया और रिसीविंग ले ली। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता किया, मीडिया ने फुल चैनल खोला, पत्रकारों के कैमरे, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन आज तक छापा निकाला कुछ नहीं जो मैं बोला था, कुछ नहीं। मैंने ये भी कहा, अगर तुम सच्चाई नहीं कहोगे तो मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा, मुझे कौन सा डर था। मैं 1 सप्ताह के बाद फिर कुछ प्रेमियों को लेकर उसी जंतर मंतर भूमि पर पहुंचा, और प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैं 4 महीने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया,
कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई सही निर्णय जरूर लेंगे, लेकिन प्रेमियों अभी तक कोई निर्णय नहीं। मैंने कहा मैंने निर्णय ले लिया, अब ये सच्चाई ये राज में अवश्य खोलूंगा। मैं निकल पड़ा, यानी कलकत्ता से लेकर आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां बैठे हो, ये हमारा चौथा कार्यक्रम है। एक एक जिले में मैंने 5-5-7-7 कार्यक्रम किए। इसके बाद मैं 13 दिन पंजाब चला गया, वहां से मैं यानी मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, वहां से संदेश देता हुआ बिहार और झारखंड, और इसके बाद दिल्ली, और दिल्ली से हिमाचल, और हिमाचल से उत्तराखंड। मैंने पहली गुरुपूर्णिमा इसी स्थान पर मनाई जहां बैठे। कितनी बड़ी भीड़ थी आपने आंखों से देखा होगा, उतनी बड़ी भीड़ अभी कहीं नहीं हुई, क्योंकि ये सुनने लोग आए थे कि सब तो पूरा हिंदुस्तान तो कह रहा बाबा जी चले गए, ये कैसा इंसान है जो कहने आया बाबा जी जीवित थे। मैं प्रमाण देके कहता हूं, और मैं आगे आने वाले समय में आपको दिखा भी दूंगा, ऐसा नहीं है। अभी तो आपको होश में लाया जा रहा, जगाया जा रहा, चिताया जा रहा कि तुम उस लाभ के पाने के काबिल बन जाओ। बाबा जी हमें आपको सतयुग के इतिहास का पात्र बनाना चाहते, और हम लोग कहां जा रहे जो तुम्हें यानी मतलब कलयुग भगाना और सतयुग ले आना इसका पात्र बनाने जा रहे, इतिहास में तुम्हारा नाम लिखाना चाहते, और तुम सब कहां जा रहे हो? जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया है तुम उसी को भूल गए? क्या इतिहास किसी इंसान ने कभी बनाया है? और वो भी कलयुग का, 3-3 युगों के इतिहास बन गए, वही पढ़ाए सुनाए आपको जा रहे हैं, लेकिन उससे हमारा काम नहीं। क्यों? गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, जो समय घड़ी वक्त निकल जाता है वो बार बार हाथ नहीं आता। जब वो समय नहीं आएगा, उस समय का लाभ नहीं मिलेगा, तो उस समय के इतिहास पढ़ने से हमारा मतलब क्या निकलेगा? वो तो केवल जानकारी के लिए है, लाभ पाने के लिए नहीं। और कलयुग का इतिहास सबसे अलग होगा, क्योंकि इतना खराब समय कभी धरती पर आया ही नहीं, यहां सबके सब खराबी हो गए। कोई 10-5% बचे, बाकी सब खराब हो, कोई न कोई खराबी में आप जरूर फंसे, चाहे वो खान पान की हो, चाहे सोचने समझने की हो, चाहे करने कराने की, किसी न किसी खराबी से आप जरूर जुड़े हुए। और उधर इतिहास क्या कह रहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावे। जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र है वो हमको पाता, अपने पाने की भी बात बताई कि मुझे कौन पाता है, हिंदू पाता है, मुसलमान सिख ईसाई कहते नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय सज्जन कहते नहीं, गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ कहते नहीं, कौन पाएगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावे। जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र है वो मुझको प्राप्त करता है, वो प्राप्त करता है। और इतना ही नहीं, रामचरितमानस में लिख के सब कुछ बताया, सबका उत्तर दिया सारे प्रश्नों का, इसीलिए उस कांड का नाम है उत्तर कांड। उत्तर कांड का मतलब इसमें सारे प्रश्नों का उत्तर, सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन आप अगर उत्तर कांड को पढ़ लेते तो बाबा जी के वचन आपकी समझ में बहुत जल्दी आ गया, बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि वो सब पहले से संत गोस्वामी जी महाराज ने लिख करके बता दिया है, और कहा मेरा वास किसके हृदय में होता है। कहते ब्राह्मण क्षत्रिय कहते नहीं, क्या कोई रंग रूप वाला कहते नहीं,
कि धनवाला बल वाला बुद्धि वाला कहते नहीं, कौन पाया किसके हृदय के में वास होता है, बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा है। लेकिन कभी पढ़ा होता आपने तो समझ में आ जाता कि जाति पाति इंधन धर्म बढ़ाई और कुल परिवार रे सुखद समुदायी इन्हें त्यागी भजे मन लाई और ताके हे बसे रघुराई। कितना साफ साफ शब्दों लिखा, प्रभु का वास किसके हृदय में होता है। कहते जाति पाति धन धर्म बढ़ाई कुल परिवार सुख समुदाय इन्हें त्याग, जो इतनों का परित्याग कर देगा उसके हृदय में मेरा वास होगा। ऐसा तो कोई धरती मंडल पर है नहीं। तुम्हारे सामने सबसे कठिन जाति अपमाना, जात पात की खाई से तुम अलग नहीं हो पाए हो, और बात तो छोड़ दो, जबकि बच्चा जब पैदा होता है किसी घर में, चाहे मुसलमान घर में चाहे हिंदू घर में, कोई जात लेके नहीं आता, कोई मजहब धर्म लेके पैदा नहीं होता, कोई सामान लेके नहीं आया, कोई पत पत्नी बाल बच्चे लेके नहीं आया, आया नंगा और अकेला। ये आने की स्थिति हमारी आप सब, जब हम नंगे आए कुछ लेके नहीं आए तो यहाँ से लेके कैसे जा सकते। लेकिन तुम ये भूल गए हो, तुम काल का सामान इकट्ठा करने लगे, का दुकान हमारी मकान हमारा जमीन हमारी रुपया पैसा धन दौलत हमारा पत पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर हमारे। अब तुम ये भूल गए कि हम तो नंगे अकेले आए थे, तो यहाँ से जाओगे तो नंगे अकेले ही जाओगे। फिर ये सामान कहते सब यही रह जाएगा, पूरा जीवन ये काल का सामान इकट्ठा करते रहे, अंत समय आया तो काल ने अपना सामान छीन लिया और नंगा करके आपको भेज दिया। ये बात तो अभी तक समझ में नहीं लोगों के आ गया। सत्संग केवल दो ही शब्दों का है, ये शरीर किराए का मकान है और जाने के पहले अपना काम बना लो, इसके अलावा कुछ सत्संग। हम दो बातों को समझाने के लिए कितने दृष्टांत, कितने उदाहरण और कितनी किस्से कहानी तरह तरह से आपको सुनाए जाते कि किसी तरह से आपकी समझ में आ जाए कि ये शरीर किराए का है, मेरा नहीं है, इसे खाली करके जाना पड़ेगा, सामान छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर आखिरकार ये कंकड़ पत्थर ये किसके लिए इकट्ठे कर रहे हो। आज तक समझ में दो बातें भी नहीं आई, और 60 वर्ष का समय समझाने का बाबा जी का, वो मथुरा का निकल गया और 9 वर्ष ये लीला के निकल गए। कितना निकला? 69 वर्ष आपका समय चला गया और समझ में अभी कोई नहीं बात आई। इतना लंबा समय 69 वर्ष का और 70 साल की आजादी का, ये सब समय बर्बादी के कगार पे लाके तुमने खड़ा कर दिया। क्या मिला आपको? कोई लाभ मिला? कोई शांति मिली? कोई अपना हमदर्द मिला? हमदर्दी दूर करने वाला, बीमारी दूर करने वाला, कष्ट मुसीबत हटाने वाला कोई मिला? आपने उनको खोजा ही नहीं, अपने सच्चे हमदर्दी को आपने खोजा ही नहीं। अगर खोज लेते तो आज ये रोना नहीं होता। जो रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं, कोई मुसीबत कष्ट दूर करने वाला नहीं, बीमारी कोई हटाने वाला नहीं, ये दिन आपको देखने को नहीं मिलते। आपने जिनको अपना बनाया उनके बारे में भी संसद गुरु ने बताया, और सच्चा साथी कौन उनके बारे में भी आपको जानकारी दी। पहले तो बताया कि जहां तुम फंसे हो, जिनको अपना अज्ञानता भूत ब्रह्म में मान रहे हो, जरा उनको सुन लीजिए, ये कहां तक तुम्हारे साथी हैं।
कि तेरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पौली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु पर हंस अकेला जाता है। देखो पूरे रिश्तों का भेद बताता है, जिन रिश्तों को तुम अपना मान बैठो उनके बारे में जानकारी दी, और काश सबसे सब तरफ से बचाने वाला वो रिश्ता कौन है कि संगी साथी गुरु को लेना, इस संगी साथी इस गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति सत्य का साधन करके अपने घर चल जाना है, फसना नहीं देश बिराना है। कितने साथ शत्रु का तुम्हारे साथ सच्चा साथी गुरु, यहाँ का साथी वहां का साथी, और तुम कहते चिल्लाते यही हो यहाँ के साथी जय गुरुदेव, वहां के साथी जय गुरुदेव, यहाँ मिले हैं जय गुरुदेव, वहां मिलेंगे जय गुरुदेव। जब तुम चिल्लाते रहे लेकिन अभी तक उनको अपना साथी नहीं बना पाया, उनकी मर्यादा को आपने समझ नहीं पाया, तो तुम्हारे चिल्लाने का मतलब ही क्या। महापुरुषों ने कहा कलयुग का जीव कोई नया काम नहीं कर सकता, इतनी ताकत नहीं है, तो कहा नया काम मत करो, लेकिन जो तुम्हारा मन पुराने गंदे कामों में गंदी आदतों में जो लगा हुआ, अरे उसी से मन को हटा लो, केवल हटा लो तुम्हारा काम बन जाएगा। क्या हटाने की बात कही है कि इंद्री द्वारे बंद कर रखना, कि इंद्री द्वारे ही बंद कर रखना, और मन पर अंकुश लाना है, फसना नहीं देश बिराना है, केवल मन पर अंकुश लाना। जहां जहां मन को लगाया है वो तुम्हारी सच्ची जगह नहीं, वो तुम्हारा सच्चा साथ देने वाला स्थान सामान नहीं है। जहां तुमने मन को लगा रखा है तो वहां से हटाओ और गुरु में लगाओ, तो कितना आसान तुम्हारा काम होना है। इधर से उधर केवल हटाना और लगाना समझ में आ जाए तो काम तुम्हारा कितनी जल्दी और कितना आसान हो जाएगा, लेकिन ना तुम हटा पा रहे हो मन को, ना गुरु में लगा पा रहे हो, तो गुरु गुरु कहने से काम थोड़ी होगा। और तो गुरु जो कहे, सतगुरु कहे करो तुम सोई, अब मन के कहे चलो मत होई। आज तक जो मन का कहना माना है, तीन तीन युगों से फंसे पड़े हो, निकल नहीं पाए हो, कहा जरा अरे सतगुरु का कहना मान लो, उनका कहना कितना आसान है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, कोई काम भी आपका बंद नहीं कराया, केवल बुरे कर्म और बुरा खान पान जो तुम्हारे शरीर को नष्ट करता है, जीवन शक्ति को कमजोर करता है, उसे आप छोड़ दो, और जो मानो खान पान परमात्मा खुदा ने दिया उसे आप खाइए, मना कौन करता। देखो जितने जीव परमात्मा खुदा ने बनाए सबका भोजन अलग बनाया, पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया, क्योंकि इंसान भगवान को बहुत प्यारा है। भगवान ने कहा भी है कि सब मेरे सब मम उपजाए, और तीन में आधी के मनुज मुहे भाए। क्या कह रहे भगवान कि सारी सृष्टि मेरी ही है, सारे जीव जो तुम देख रहे हो आंखों से ये मेरे ही बनाए हैं। जब इंसान
विज्ञान ने कोई जीव बनाया नहीं, तो मरने काटने का अधिकार किसने दे दिया? बस यही गुनाह यही पाप आपको निकलने नहीं दे रहा। 484 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा नहीं दिला रहा। क्या कहा था कि मानव शरीर प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। जब मनुष्य शरीर में जीवात्मा आएगी तब वो परमात्मा से मिल सकती है, लेकिन परमात्मा से मिलाने वाला कोई संत महात्मा चाहिए जिसने अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला लिया हो। परमात्मा के दरबार का दरबारी रोज आने जाने वाला हो, वो हमारी आपकी फरियाद भी परमात्मा के पास पहुंचा सकता और हमारी आपकी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला सकता। ये काम उसके द्वारा, और ये सच्ची में ये काम कोई नहीं करता। जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना, ये किसी आदमी इंसान के बस की बात नहीं है। ये कोई धनवान बलवान बुद्धिमान भी ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक जो हमने आपने जब जब जहां जहां शरीर धारण किया वहां वहां शरीर से कुछ ना कुछ कर्म होते ही रहे। उन कर्मों को मिटाना, उन कर्मों को खत्म कराने की युक्ति जब तक कोई नहीं बताएगा तब तक कोई जीवात्मा इस मृत्युलोक मंडल से नहीं जा सकती। और कर्म क्या है? आपने अगर शरीर से कोई काम कर डाला, शरीर से बुरा पाप कर्म कोई हो गया, अनजान में या स्वार्थ लालच में फंसकर काया से जो कारज हुई बिन भोगे बचैनी हुई। काया माने शरीर से जो भी बुरा काम पाप कर्म हो जाएगा उसका फल भोगना पड़ेगा। जिनको तुम भगवान कहते हो, कृष्ण को भी उन्होंने मानव शरीर या धारण किया और शरीर के द्वारा जो भी अच्छे बुरे कर्म हुए उनका फल उनको भी भोगना पड़ा। एक बार कृष्ण भगवान नदी किनारे बैठे थे, बैरिये ने दूर से देखा उनके पैर में काला निशान था। उसने सोचा ये तो हिरने की आंख सी चमक रही है। हिरने की आंख समझकर बैलिये ने ताक के बाण मारा, कृष्ण का पैर छलनी हो गया। बड़ी जोर से कृष्ण भगवान चिल्ला पड़े। बैलिये ने समझा शिकार हो गया, दौड़ के आया, देखा कि कृष्ण भगवान चिल्ला रहे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि महाराज क्षमा कर दीजिए, धोखे से अपराध हो गया। कृष्ण भगवान ने नहीं, कोई धोखा नहीं, रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देकर तुमको मारा था, वो धोखा देने वाला कर्म हमारा तुम्हारा आज पूरा हो गया। प्रेमियों जब कर्म कर जा भगवान को छुपाना पड़ा, ए इंसान तू किस गफलत में है कि हमारा कोई कर्म भोगी नहीं है? इतिहास पढ़िए तो सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ये तो कर्म फल है, इसीलिए कहा मनुष्य शरीर परमात्मा को पाने के लिए मिला। आज से नहीं, जब 5 महीने का पिंड माँ के पेट में तैयार हो जाता है उस समय वो मतलब यानी खुशबू बदबू की एहसास करने लगता, उसे एहसास होने लगता। गर्भ की स्थिति मुंह नीचे पैर ऊपर उल्टा टंगा रहता, माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से 24 घंटे गुजरता। अब सोचिए आप कितनी बदबू, कितनी गंदगी, कितना कष्ट, कितनी असहनीय पीड़ा होगी। उस समय तो वहां जीवात्मा का कोई साथी बैठा नहीं जिससे वो मदद मांगे, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट लिखा कि जीवात्मा ने किससे प्रार्थना किया,
कि नरक कुंड से हमको बाहर करो। बड़े साफ शब्दों में लिखा है, लेकिन हमने आपने उसको ध्यान नहीं दिया कि अब प्रभु कृपा आ करो यही भांति और सब ताजी भाजा ने करम दीन राती। किससे प्रार्थना की? प्रभु से, रामकृष्ण से नहीं। बड़े साफ शब्दों में गोस्वामी महाराज ने शंका दूर की कलयुग के जीवों की कि कोई शंका मत करना, जीवात्मा का उद्धार कल्याण जब होगा जब प्रभु नाम आएगा, प्रभु नाम का प्रचार होगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं का जगाया जाएगा, प्रभु नाम मेला लगाकर भवसागर से जीवात्माओं को प्रभु नाम पहुंचाया जाएगा। देखो कितना साफ साफ लिखा है कि जीवात्मा किस नाम से अपना भला चाहती है। अब प्रभु कृपा आ करो यही भांति और सब ताजी भजा ने करम दीन राती। ए प्रभु ऐसी कृपा दया करो, हमें इस नरक कुंड से बाहर करो। जब मैं बाहर जाऊंगी दिन रात तुम्हारा भजन करूं। पूजा का वादा नहीं किया आपने, भजन का वादा, और यहाँ के भूल गया, माया की छका चौंध में आकर अपने वादों को आप भूल गए कि मैंने प्रभु से क्या वादा किया। और प्रभु नाम लेकर महापुरुष आ गए हैं और प्रभु से मिलाने के लिए, प्रभु धाम पहुंचाने के लिए, तो हमें आपको तो प्रभु नाम की मर्यादा समझ लेनी चाहिए। आगे गोस्वामी महाराज ने और भी इशारा किया है, एक अनियनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहां एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, प्रभु नाम से प्रचार करेंगे और भवसागर में प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे, तभी जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन समाप्त नहीं होता। देखिए प्रेमियों, सतलोक तक आवागमन, क्योंकि संत आते जाते रहते, प्रभु धाम जो पहुंचाएगा जीवात्माओं को, उन जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। फिर वो धरती मंडल पर कभी नहीं आएंगे, कभी जन्म नहीं लेंगे, कभी यहाँ मृत्यु के हवाले नहीं होगी। तो बात तो आपको समझनी चाहिए, ये तो आपको कोई बताता नहीं, सब पुराने पिछले युग की कहानियां सुनाते रहते। अरे उनसे हमारा काम, क्योंकि हम उस समय थे नहीं, अगर होंगे तो आज हमें पहचान नहीं है, तो उनसे काम तुम्हारा कैसे हो जाए। तो नाम की महिमा को भी खोल के कहा कि कलयुग का जीव कहीं पिछले युग के नामों में फंस न जाए, नहीं तो काम उसका नहीं होगा, समय निकल जाएगा। इसीलिए मृत्यु मंडल पर आकर सर्वप्रथम प्रभु नाम जगाया और सिद्ध किया और पूरे भूमंडल पर प्रचार कराया। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको जय गुरुदेव नाम प्रभु का बताया नहीं गया, ये कोई नहीं कह सकता। अब न मानो, न जानो पहचानो, न अपना काम बना पाओ, ये तुम्हारी भूल है। लेकिन महापुरुष किसी भी गुड़ राज रहस्य को छिपाते नहीं। गुड़ हो तत्र संत दुराव, गुड़ राज को संत महात्मा कभी यानी छिपाते नहीं है, बल्कि सारी गंदगी को, सारे पर्दों को हटाकर और सत्य का ज्ञान भान कराती कि लेकिन हम सब गंदे कमजोर जीव उनकी सच्चाई अच्छाई को समझ नहीं पाते, अपना नहीं पाते, उसका लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाते। कितनी बड़ी कलयुग के जीवों की कमजोरी है।
बाबा जी ने कितना समय दिया जगाने का, इस मित्र मंडल को किसी ने नहीं। 10 जुलाई 1952 से 2012 जोड़ लीजिए 60 वर्ष, घर घर दरवाजे दरवाजे, कोई गांव मोहल्ला शहर कस्बा कोई प्रांत जिला तहसील छोड़ी नहीं, जहां पर समय का संदेश, समय के जगाए नाम की महिमा और लोगों को न दी हो, न सुनाई हो, न बताई हो और काम करने का न वादा किया हो, तो आपने कितनी बड़ी भूल की। अपने अच्छाई सच्चाई को छोड़ दिया और बुराइयों को फिर पकड़ लिया। पहले बुराइयों को पकड़े थे क्या लाभ मिला, और अब पकड़ोगे तो क्या लाभ मिला। कितने लोग आए और चले गए, क्योंकि यहाँ छल कपट प्रपंच करने वाला, झूठ बोलने वाला, अपना स्वार्थ लोभ लालच हल करने वाला लंबे समय तक संत मत में टिक नहीं सकता। इसीलिए मैंने आपके लिए ऐलान किया था कि हिंदुस्तान में कोई भी किसी को अपनी सेवा नहीं देगा। जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदारी से कार्यक्रम करवाते हैं, जिसका लाभ संपूर्ण क्षेत्रीय जनता को, जिले के लोगों को दिलाते, उनको तो देने का आपको हक है। बाकी अरे घरों को किसी की को भी सेवा मत देना, वो सेवा मेरे पास नहीं आती। मैंने कितनी बार आपसे कहा, यहाँ तमाम ऐसे इसी जिले में, तुम्हारे इसी जिले में केवल कार्यक्रम के नाम पर तुम्हारे से पैसा ले लेते, भंडारा चलाएंगे भंडारा, उसका कोई हिसाब नहीं, और बचा हुआ कभी हमको भेंट नहीं करते। ऐसे लोगों को सेवा मत देना जो सेवा तुम्हारी अच्छे सच्चे काम में लगकर तुम्हें लाभ न दे। पहली बात तो नैमिषारण्य के नाम पर तुम्हारे जिले की कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं है। आप कितनी बड़ी, इतनी भारी बड़ी संगत है, संगत से लोग सेवाएं बटोरते हैं लेकिन हमारे तक नहीं लाते हैं, ताकि हम उसको परमार्थी कार्य में लगाकर आपको परमार्थी लाभ दिला सके। मैं तो बार बार कहता हूँ, आप जब आते हो वही हाथ में दे दीजिए, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी सेवा लगा दूंगा। नैमिषारण्य की तपोभूमि पर कितनी जल्दी एक काम परमार्थ का हो गया, 2 वर्ष केवल, अभी 2 वर्ष हुए हमको वहां, अब कितना काम हो गया। आपके यहाँ लोग जाते हैं उनसे पूछिए, तो ये आपकी सेवाओं का सदुपयोग है जो मेरे हाथ में मिली, वो मैंने लगा दी। जो ये सब ठेकेदार खा गए वो तो तुम्हारी चली गई। इसलिए यहाँ किसी के हाथ में सेवा ही मत देना, अगर परमार्थी लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो। मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में सब कहा, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी कमाई जो तुम बच्चों को नहीं खिला सके, अच्छे मकान नहीं बनवा सके कि चलो हमारा, हमारी सेवा पहुंच जाएगी, नहीं हम पहुंच पाते, हमारी गाड़ी कमाई पहुंच जाएगी, उसका हमको कुल लाभ मिल जाएगा, लेकिन ये लोग कुछ सेवा लेके नहीं जाते, यही खा पका के बराबर कर दिया। वो भंडारे के नाम पर सेवा वसूली और छोटा मोटा थोड़ा बहुत पीछे लगा के चला दिया और बाकी बेच के खा गई। ये सब मथुरा के पुराने लुटेरे हैं, ये नए नहीं पुराने, इनकी आदत लूट मार खाने की रही है, वो इनसे होने वाला नहीं है, इनसे कोई काम तुम्हारा नहीं होगा। मैंने व्यक्तिगत इनको समझाया लेकिन हमारी बात इनकी समझ में नहीं आई, और ये सब तुम्हारा कर्जा लाद के बैठे हैं। अभी कितने जन्म इनको लेने पड़ेंगे, बैल घोड़ा खच्चर गधा बनकर ये तुम्हारा कर्जा अदा करेंगे। इसलिए कोई भी प्रेमी कोई सेवा में, ये सेवाएं मेरे तक नहीं आई। जितने पुराने हैं उतने बड़ा चोर है, जितना पुराना पुराना चोर मथुरा वाला यहाँ भी आ गया
और तुम्हारी सेवाएं यहाँ भी खा पी रहा है, अच्छे सच्चे काम में लगने नहीं दे रहा, और मथुरा भी यही करता तो आवाज भी वही करता। मैं बार बार आपको समझाता हूँ, जब मैंने ये अभियान जारी किया तभी मैंने ऐलान किया था कि मथुरा की कोई घटना दोहराई नहीं जाएगी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आते, ऐसों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब नया वक्त आ रहा है, नया समय आ रहा, नए अच्छे सच्चे लोगों की जरूरत, और पीछे से बहुत अच्छे लोग आए। मैंने कितनी बार ये आपसे कहा सत्संग में कि पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, तुम्हें धक्का मार के हटा देंगे, कहेंगे इतने सालों में आपने क्या करके दिखाया है, आप क्या जवाब दोगे। इसलिए अब ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आप अपने हाथ से कार्यालय बना हुआ वहां आप सेवा दे दीजिए, इसी कार्यक्रम में लग जाएगी और आपको उसका लाभ मिल जाएगा। इतने लोग आए हो, थोड़ा थोड़ी जैसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दो ढेर हो जाता, ऐसे थोड़ी थोड़ी गाड़ी कमाई इस सच्चे परमार्थी कार्य में लगा दीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा उसका। इसीलिए कार्यालय में और किसी को मत देना, इन लुटेरों को तो बिल्कुल मत देना, सब संगत लूट के खा गए और आज भी खा गए, बहुत पुराने हैं ये, इससे बच के रहना। बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, अब की बार सारा हिंदुस्तान बंद रहा है, सब जगह तारे लगे रहे, लेकिन नैमिषारण्य खुला रहा, नैमिषारण्य खुला रहा, क्या कारण है। इस पर हिंदुस्तान को विचार करना चाहिए कि आज सच्चाई अच्छाई का सच्चा रास्ता 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य पर हो रहा, एक स्पष्ट प्रमाण है। कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ, 50,000 लोग इकट्ठा, जहां होता 10 आदमी नहीं, ये वो है ये नेता कुछ नहीं, ये नैमिषारण्य की तपोभूमि है, 88,000 ऋषियों की तपस्या का आशीर्वाद वरदान इस पे लगा हुआ, यहाँ पर कोई बीमारी नहीं आई, कोई बीमारी वहां आने वाली नहीं है। अगर कोई बीमार हो गया हो, अगर एक सप्ताह भंडारे की रोटी खा लेगा तो बीमारी चली जाएगी, बीमारी चली जाएगी। मैंने चैलेंज किया ऐसा वैसा नहीं, और कार्यक्रम कितना विशाल हुआ, सारा हिंदुस्तान देखता रहा, सब कर्मचारी अधिकारी बड़े मतलब यानी सम्मान के साथ मैंने उनका सम्मान किया, और उन्होंने सुना कि आज देश समाज इंसान को ऐसी चीज की जरूरत है, जो मैंने उनको संदेश दिया कहा इस समय इसी की जरूरत है। अगर मैंने कहा मैं एक सच्चे अच्छे समाज का निर्माण करने आया, जिस दिन मुझे अच्छे सच्चे लोग मिल जाएंगे सच्चे अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा, लेकिन अब बनाने में थोड़ा देर लगेगी, कि अच्छे सच्चे कैसे बनाए जाएंगे, कौन सी युक्ति से बनाए जाएंगे, किस व्यवस्था से बनाए जाएंगे, वो तो मैं सब आपके सामने करके दिखा रहा हूं। हमारे पास कोई ऐसे टिकने वाला नहीं, मेरे पास ऐसे टिकने वाला कोई मान सम्मान का भूखा वो तो बिल्कुल नहीं टिकी। मान सम्मान दिया जाएगा, पैसा भी दिया जाएगा और लेकर के चला जाएगा, संतुष्ट नहीं होगा। ये दरबार ऐसा कहा कि दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, ऐसा ये दरबार है। लेकिन तुम दरबार के काबिल तो बनो, मैं तो फ्री सेवा भी नहीं लेता, किसी न किसी रूप से उसकी सेवा को अदा कर देता, मैं अपने पर कोई बोझा नहीं लेता। जो आपने हमको दिया इन 8-9 वर्षों में,
1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया वो मैंने सब नविशार में लगा दी। आपकी जमीन खरीदी जो आप दे रहे हो, ये निर्माण कार्य में लग रहा है, ये भी आपके सामने। ना मेरा कोई खाता है, ना मेरा कोई बैंक बैलेंस है, न मारे मेरे पास कोई तिजोरी बक्सा। जो कुछ है तुम ही लोग हो। जब दुनिया के लोग सभी अपने अपने परिवार को पालते पोसते हैं, मेरा ये गुरु परिवार है, मैं जो कुछ करूंगा अपने गुरु परिवार के लिए करूंगा और कर रहा हूं। और आपके सामने यानी प्रमाण है, नैमिषारण्य देख लीजिए चल के कितनी जल्दी कितना काम हुआ। मथुरा में 60 वर्ष में उतना काम हुआ और यहाँ 2 वर्ष में कितना काम हो गया, ये दया का प्रमाण देखिए। ये कौन कर रहा है, कौन करा रहा है? मैं तो निष्मात हूं, आपके सामने बैठा हूं। करने कराने वाला कोई और है, कहे कोई लाख करैया कोई और है, वो तो करने वाला मालिक है। लेकिन किस मनुष्य बोल पर बैठकर वो अपना काम करा देगा, अपना संदेश सुना देगा, जानकारी दे देगा, ये तो उसकी मौज मर्जी है। इसलिए आपको ये सब चीजें समझनी चाहिए। समझ लोगे आसान हो जाएगा, जल्दी आपका काम बन जाएगा। नहीं तो कितने वर्ष कितने जन्म निकल जाएंगे, ये काम होने वाला नहीं है। जीवात्मा के उद्धार कल्याण का ये तो जमीन पर तो काम पहले से होते रहे, जमीन खरीदना, मकान बनाना, दुकान चलाना, ये तो सब काम बहुत पहले से हो रहा, आज भी हो रहा। हम आप नहीं थे तब भी हो रहा था, हम आप है तब भी हो रहा, नहीं रहेंगे तब भी होता रहेगा। अरे ये तो तुम्हारा काम नहीं है, ये तो करने वाला कोई और है। वो अपना कार्यशाला किस तरह से चला रहा है ये उसकी व्यवस्था है। हमें आपको मानव शरीर मिला है तो अपना धीरज से काम बनाने, किसी संत महापुरुष की शरण में जाकर अपने घर का रास्ता पूछने कि हमारा सच्चा घर सच्चा मंदिर मुकाम किधर है, वो कितनी दूर है, जाने का रास्ता किधर से कैसे हम पहुंचेंगे, या कोई पहुंचाने वाला मिल जाए तो कितना सरल हो जाएगा। लेकिन बात बिना सत्संग के समझ में नहीं आएगी। बिना सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा भी सुलभ न सोई। का बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरख परख सोच करने की ताकत नहीं आएगी। और आपको सत्संग मिलता नहीं है, मिलता है तो तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम वहां ठहर रुक नहीं पाते हो। देखे आज तो खैर पानी बरसता रहा, फिर भी आप देखिए सत्संग की महिमा कि बरस के निकल गया और तुम्हारे काम के लिए समय दे दिया। मैंने कहा हम तुम्हारे काम में कोई बाधा नहीं डाल। कल भी आपने देखा कितनी बारिश हुई, जैसे ही शोभा यात्रा का समय आया एकदम साफ। और आज भी जैसे शोभा यात्रा समाप्त हुई आप यहाँ आए, भोजन पानी कर पाए, इसके बाद पूरी रात बारिश, मूसलाधार बारिश और समय से फिर अपना था। जब प्रकट तुम्हारे साथ है, इससे बड़ा और प्रमाण हम क्या आपको दें? जिसके साथ में प्रकट है वो क्या नहीं कर सकता और क्या नहीं करवा सकता? आपने देखा सब कह रहे थे आज सत्संग कैसे होगा, हमने कहा हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, और 12 बजे के बाद होगा घाम। सब आपके सामने, ये प्रमाण आपके सामने है, ये सत्संग की महिमा। मेरा इसमें कुछ नहीं, ये सत्संग की महिमा, सदगुरु की महिमा, सच्चे नाम प्रभु नाम की महिमा है जो आपके सामने हो रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए आप लोग, बहुत देर से बैठे। देखो तपस्या भी आप कर रहे, ये भी आपके सामने है। पानी में भीगे और धूप में बैठे, ये दो तरीके की तपस्या है। बिना तपस्या के कोई अच्छी चीज मिलती नहीं। और ये है जब जैसा समय वक्त इंसान की ताकत मन की देखेगा कि तब तैसी शरण तपस्या का विधान बना दिया। आप रात भर भीगे हो तभी तपस्या कर रहे थे, और धूम में बैठे हो तभी। ये तो समय की गति है। पानी बरसना ते बरसात का समय है, जरूरी भी है। और खुशी नगर तो धान गन्ने का क्षेत्र, यहाँ तो पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पानी भी आपका आपका खेती का काम प्रगत कर रही है। आप सत्संग सुनिए, अब तुमको खेती की चिंता नहीं कि पानी लगाना है, ये करना वो करना, वो तो प्रगत सिंचाई का काम कर रही। और आप लोग बिल्कुल निडर होकर सत्संग करो, तुम्हें दोनों लाभ मिल जाए। उधर सिंचाई का पैसा बच गया, इधर पैसा सत्संग में लगा दिया तो परमार्थ बन गया। उधर परिवार के पासन पालन पोषण के लिए खाने की रोटी की व्यवस्था बन गई, और इधर तुम्हारा परमार्थी काम बन गया। थोड़ा बहुत गाड़ी कमाई, वैसे तुम्हारी कमाई में दशांश गुरु का जो जो ने नाम धान लिया है उनकी कमाई में दशांश गुरु का। अगर 100 कमाते हो तो 10 गुरु की। अगर दशांश आप निकालते रहो तो मैं ये कहता हूं तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी तरह की आफत मुसीबत नहीं। ये सब काम तुम्हारा सरलता में हो जाएगा, लेकिन तुम दशांश भी नहीं निकालते। इसीलिए तरह तरह की बीमारी परेशानियों में हजारों लाखों रुपए डॉक्टर को दे देते हो, लेकिन यहाँ 100 रुपए सेवा भी नहीं दोगे। ये तुम्हारी ओछी विचारधारा कितना बड़ा नुकसान करा रही है। इसलिए आपको चाहिए कि गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश सत्संग में जरूर लगा दे। देखो दो तरीके, एक तो आप सक्षम हो सत्संग में पहुंच जाते हो, लेकिन ऐसे हजारों प्रेमी जिनके पास जाने का समय नहीं है या किराया भाड़ा नहीं है, तो मैं उनसे आके खुद ही मिल लेता हूं। मैं तो आपके यहां खुद ही आ गया हूं। अब आपको चिंता नहीं होनी चाहिए कि किराया कहां से आएगा, भाड़ा कहां, उठाओ साइकिल और फट से आ गया। ये तो दोनों तरह से आपको लाभ है। तो ये प्रेमियों की इच्छा, उनकी आवाज सुनी गई अंदर में कि हम नहीं आ पा रहे, बड़ी समस्याएं हैं, किराया भाड़ा की व्यवस्था नहीं है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपके घर आके मिलूंगा, मैं चल के आपसे मिलूंगा। तो आपके यहाँ आ गया हूँ मिलने के। तो कल से आप तैयारी में आइए और पूरा संदेश सुनिए पूरा। तब आपको ये पता चलेगा कि सत्संग किसे कहते हैं। अभी तो मैंने केवल परिचय दिया सत्संग का। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन सत महापुरुषों ने सत्संग के बारे में जो जो जानकारी दी वो मैंने आपके सामने रखी। और आज क्या जरूरत है, आज कलयुग के कमजोर गंदे जीवों को किस चीज की आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता कैसे पूरी होगी। तो उनके लिए रास्ता खोल दिया गया, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये तीन रास्ते हैं मन को ठीक करने के, मन को शुद्ध करने के, मन को परमार्थ में लगाने के,
तीन रास्ते हैं, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। करके मिलेगा, सुनकर सुना के नहीं। सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। जो बताया जाए उसे अपने करनी में उतारो तो उसका लाभ मिल जाएगा। जब तक करोगे नहीं तब तक कोई लाभ नहीं मिलेगा। चाहे खेती हो, चाहे दुकान दफ्तर हो, बिजली का मजदूरी, कोई काम बिना किए कोई मजदूरी आपको नहीं देगा। संत मत एक ऐसा मत है जो कम कराता है और फल ज्यादा देता है। यानी निमिष मात का तुम खड़े हो जाओ और काम तुमसे करा लिया जाएगा। केवल आप खड़े रहो, कहा था पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कभू दीन दयाल के भनक पड़ेगी। कहा तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना। लेकिन ना तुम खड़े रहे ना पड़े रहे, यहाँ तो सबके सब भक्त खड़े रहे। कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर भग गया। दरबार में कोई नहीं मिला, दरबार खाली हो गया। प्रेमियों, गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास पढ़ा सुना होगा आपने। उनके 4400 शिष्य जब हो गए तब गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता हो गई कि हमारे यानी शिष्यों की संख्या बढ़ती चली जा रही, इनमें मेरा सच्चा आशिक, मेरा सच्चा भक्त, सच्चा मुरीद, फॉलोवर कौन है। उनको इसकी चिंता हो, तो वो इसकी परीक्षा के लिए तैयार हो। जरा परीक्षा करके देखो, इतनी बड़ी भीड़ में मेरा सच्चा आशिक जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, न पहचानता है, न मानता है, केवल मेरे पर अधीन रहता है, ऐसा यानी भक्त मुरीद फॉलोवर कौन है। इसकी परीक्षा के लिए गुरु नानक जी ने तैयारी कर ली। संगत से कहा कल पूरी संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। तो जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब लोग लाइन से खड़े हो, तो सब प्रेमी लाइन से खड़े हो। तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए सर। तो जब से आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर आज मेरा ये सिर गुरु के काम आ जाए मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाए। क्योंकि गुरुवाणी कहती है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा परमार्थी गुरु जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों की माफी दिलाने वाला, ऐसा सच्चा सदगुरु अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर सच चला जाए तो सस्ता सौदा है। का ये सस्ता सौदा? वो तो हंसते हंसते अंदर चला गया झोपड़ी में, जो पहले से प्रेमी बैठा के रखा गया था। तो अंदर एक तरबूज का फल रखवा दिया, एक तलवार रखवा दी, एक बकरे को बंद किया, एक प्रेमी को बैठा दिया और एक बाल्टी लाल रंग पानी घुरवा के रखवा दिया। जब प्रेमी अंदर गया, जो अंदर बैठा था प्रेमी, उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज हुई। बकरे का कान बैठा तो म्यां की आवाज किया। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, निकल के बाहर आया। संगत ने देखा, करे इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर पहुंचे। जब छठे का नंबर आया गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा हमको सर चाहिए सर। तो भगदड़ मच गई, एकदम भगदड़, कोई दिखाई नहीं दिया। तो जब गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास लिखा गया, आपने सुना पड़ा होगा पंच प्यारे, केवल 5 प्यारे निकले। 4400 शिष्यों में
पांच प्यारे गुरु के निकले और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के यहां 45 करोड़ में एक भी प्यारा नहीं निकला, गुरु का एक भी प्यारा नहीं। कोई जमीन का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, कोई धनदौलत मान सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। कितने अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। कितनी मेहनत परिश्रम वेदनाएं कष्ट सहकर गुरु ने 45 करोड़ जीवों का जन्म इकट्ठा किया और कोई परीक्षा नहीं ली, बिना परीक्षा लिए ही फेल हो गए। परीक्षा देकर तो सभी फेल पास होते, लेकिन ये बिना परीक्षा दिए ही फेल हुए। तब खड़े हुए दर दर गुरु को छोड़कर चले गए, गुरु को छोड़कर चले गए। यानी मतलब अब जब गुरु छूट गया तो तुम्हारा काम कौन करेगा, जीवात्मा को कौन जगाएगा, परमात्मा से कौन मिलाएगा, पाप कर्मों में माफी कौन दिलाएगा, ये सब सोचना चाहिए था। 45 करोड़ जीवों का जन्म इतना बड़ा किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास नहीं, कोई धार्मिक मिशन के पास भी इतना बड़ा जन्म नहीं जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 45 करोड़ जीवों को सतत के रास्ते पर लाके खड़ा किया और कहा तुम्हारा सबका काम करो। ये सब गुरु पर विश्वास नहीं करता और सब के सब दरबार छोड़ के चले गए। अब इनसे पूछो तुम्हें क्या मिला, जबकि ये लिखा है मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में। इन लोगों ने तो चरण शरण सब छोड़ दिए और जहां छोड़ के गए हैं वहां चरण है कि पैर है। पैर तो घोड़े गधे के लिए, क्या पैरों की महिमा की चरणों की महिमा। लिखा तो कि चरण में मतलब यानी मुक्ति है संतों के चरणों, और वो चरण आपने छोड़ दिए। अब इन बेचारों को कहां से मुक्ति मिलेगी, किसकी भक्ति करेंगे, किनको मुक्ति कौन देगा। इनके सामने धीरे धीरे अहम समस्या आके खड़ी हो जा रही। मैं सारा भेद खोल के कहता हूं, मैं कोई इधर उधर की बातें यहां नहीं करता, क्योंकि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। ना पहले कभी एक रुपया आपसे मांगा, ना आज मांगता हूं। जो श्रद्धा सेवा भाव में आप देते हो, आपका उधर नैव शरण में लगा दे रहा हूं, सब का सब तुम्हारी कमाई मांग। चल के देख लीजिए कि भाई मैंने 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए सेवा दी थी, मेरी सेवा कौन लगाई। अब आप सोचिए कैसे मैंने सुरक्षित रखा आपकी कमाई को, और कहां लगा दिया, नैव शरण की तपोभूमि खरीद, तपोभूमि खरीद ली गई। और यही विचार है कि आप सब लोग 88,000 ऋषियों की तपोभूमि को ले लो, क्योंकि आगे एक परिवार सब वही जा रहा था। अब तो बहुत गिनती नहीं रही है, ये सब बेचारे इधर से हटके सब उधर जा रहे, क्योंकि उधर काम दिखाई दे रहा, यहाँ दाम भी लिया जा रहा, काम कुछ नहीं। उधर दाम भी नहीं मांगा जा रहा, काम आपका करके दिखाया दिया। यही तो समय की महिमा है कि मैंने 1 रुपया किसी से कभी नहीं मांगा और काम आपका कर दिया। जो आपने श्रद्धा सेवा भाव में दिया, मैंने उसको उधर वैसे ही लगा दिया। और ऐसे नहीं, उसको भी आदेश में लगाया। वो आदेश आपने सुना नहीं है, जब 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम बाबा जी ने नैव शरण की तपोभूमि पर किया, नदी के उस पार। और आखिरी दिन क्या कहा था, जो प्रेमी गए होंगे तुम फिर से याद कर लो। आखिरी दिन क्या कहा था, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से
सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। क्या अंकुरण आसमान में निकलेंगे? अरे सबका आधार जमीन ही है। मथुरा में कभी नहीं कहा कि मथुरा में सतयुग का अंकुरण निकलेंगे, वो तो नैमिषारण्य में कहा। 97 में याद कर लीजिए वचनों को, मैंने उन्हीं वचनों का पालन, नैमिषारण्य में आपके लिए भूमि तैयार किया। धीरे 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 जैसे जैसे आप सेवा दे देते हो, मैं तो वही लगा देता हूँ, मैं क्या करूंगा, हमें तो कोई जरूरत है, मेरे पास कोई खर्चा नहीं। तो जब से आया हूँ आप क्या कोई फल फूट मेवा, कोई दूध मक्खन मलाई कुछ, कोई ईठा मीठा कुछ, बहुत सीधा सारा सूखा रूखा भोजन करता हूँ, वो भी एक रोटी दोपहर एक शाम, बाकी मारा कोई खर्चा नहीं। जो आप देते हो सीधे वहीं पर लगा रहा हूँ। और यहाँ इनसे आपने पूछा नहीं कभी कि 60 साल बाबा जी के हाथ में जो मथुरा में सेवा पकड़ाई, वो सेवा कहाँ चली गई, उसका क्या हुआ? यानी पहले का हिसाब नहीं लिया और वर्तमान में अभी देते चले जा रहे हो। मैं देने के लिए मना नहीं करता, मैं तो कहता देखकर जरूर पूछो कि हमारा लगा था। उसे देखो कि तुम्हारी कमाई कहाँ लगाई जा रही, तब तो आपको लाभ मिलेगा, ऐसे फेंक देने से लाभ नहीं मिलेगा। जब लाभ की जगह आपकी दौलत कमाई लगेगी तो लाभ मिलेगी आप। इसलिए अब ये सबके सामने एक प्रमाण होगा नैमिषारण्य की तपोभूमि। अब सबको चिंता हो गई कि हमने तो पहले मथुरा की सारी कमाई बाबा जी की वो भी सब उड़ा दी, सब यानी गंदे खान पान में चली गई, और आज भी प्रेमियों से ले रहे वो भी तुम्हारी उसी में जा रही, तो तुम ये सच्चे अच्छे काम में कब लगाओगे, और तुम लोग सेवा अच्छे काम के लिए कब दोगे? दोनों चीजें तो आपको, मैं तो मांगता नहीं, मेरा काम नहीं, मेरे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं, नामदान दिया का जल्दी से जीवात्मा जगाओ, जब जीवात्मा जाग जाएगी उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपनी धन दौलत रात पर सब न्यौछावर करते, ये मांगी जाती भीख और दिया जाती सेवा जो श्रद्धा से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोले जय गुरुदेव, राम मिल बोले जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोले जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे शांति भी देंगे, सबके दाता सबके मालिक, प्रेम से बोलो ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो इस बात का ख्याल ध्यान होना चाहिए, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, और ये नाम अपने आप में क्या वादा कर रहा है। जिन जिन युगों में जो नाम जगाए गए उन नामों ने जो काम नहीं किया, वो काम जय गुरुदेव नाम प्रभु का करके दिखाएगा, ये वादा नाम का है। अभी कोई काम हुआ नहीं और जिसने नाम जगाया उसी को कह रहे मर के चले गए, मेरे काम कौन करेगा? एक काम कौन करेगा? उनसे पूछो कि तुम कलयुग भगा सकते हो, सतयुग ला सकते हो, ये बाबा जी का काम तुम कर सकते हो, तुम्हें भी तो
कुछ अकल रखनी चाहिए। परमात्मा ने बुद्धि दी है तो अच्छे सच्चे काम में विचार रखना चाहिए, वो भी तुमने कुछ नहीं किया। कितना भारी नुकसान कर दिया, अब तक पता नहीं ये काम कहां तक पहुंचा देता आपको, कितने जीवों का काम हो गया होता और कितने करने की तैयारी कर लेती, कितना भारी आपने नुकसान किया। ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक नुकसान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सबके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा, क्योंकि आप आए हो तो आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और प्रसाद। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं, तुम कहीं चले जाओ तुम्हें कोई प्रसाद देता ही, तुम ही ले जाते हो खरीद के, चाहे पत्थर का देवता चाहे जिंदा, तुम ही जाके डिब्बा पकड़ा देते हो, उसमें से थोड़ा निकाल के तुम्हें लौटा लेता, बाकी डिब्बा रख लेता। तुमको अपनी तरफ से किसी ने प्रसाद आज तक दिया ही नहीं। मैं वो विशाल लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, 9 बरस से जहाँ शोभा यात्रा निकली, कल आपने देखा कितना प्रसाद वितरण, कितने गांव में कितने कुंटल लड्डू और फल ये प्रसाद में बट गया। क्या ये काम करके किसी ने कभी दिखाया या कोई दिखा रहा या आगे कोई कर सकेगा? ये तो प्रमाण आपके सामने ही है। कल आपने देखा ग्राम वासियों को किस तरह से उनमें श्रद्धा भाव उमड़ा, कितना प्रेम जगा, कि ऐसा तो कोई धरती पर कभी आया नहीं जिसने हमारे घर आकर दरवाजे पर हमको प्रसाद दिया हो, बुला करके प्रसाद दिया हो, ये कहीं नहीं। यही तो काम, जो काम कहीं नहीं हुआ वो काम करके दिखाया जाएगा, तभी तो आप मानोगे। इसीलिए बाबा जी ने कहा मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तान ही सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये छोटी बड़ी बात है, आपको समझना चाहिए। आज सत्संग की शुरुआत, सब लोग आ जाए तो सत्संग सबको मिल जाए, ये बेचारे जो नहीं आ पाए वो छूट जाता। इसलिए मैं आज के कार्यक्रम का यहीं पर विराम दे रहा हूं। कोई भूल चूक त्रुटि गलती कहने बोलने में हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहे, अवसर मौका मिलता रहेगा आप सबके दर्शन करता रहूंगा, आप सबको प्रणाम करता रहूंगा और आपको ये प्रसाद जो तुम्हारी तमाम बीमारी महामारी कष्टों में काम आएगा वो आपको प्रदान करता रहूंगा। मेरा यही काम है, पूरा हिंदुस्तान जान गया, क्योंकि 9 बरस मैंने यही काम करके दिखाया। मैं पहले कह देता मैं भाषण भी प्रचार करने नहीं आया हूँ, जो काम होने जा रहा है उस काम को बताने, उस काम की तैयारी और जो लाभ मिलने जा रहा उसकी भी जानकारी आपको देता हूँ, आगे आने वाली भयानक बीमारी महामारियों का भी परिचय देता। ये जो बीमारी आज है ये सब झूठा प्रचार, कोई बीमारी नहीं, इनमें बीमारी कुछ नहीं। ये तो जब सीजन बदलता है तो अक्सर सर्दी जुकाम बुखार किसको नहीं होता, ये है निमोनिया जिसको ये लोग कोरोना कहते हैं, उसका नाम रख दिया कोरोना, लेकिन नाम के अनुसार काम नहीं करो ना, क्या क्या ना करो, शराब ना पियो, अंडा मुर्गा मीट न खाओ और निंदा चुगली बुराई न करो, किसी को गाली गलौज भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग मत करो, इसको कहते कोरोना, क्या क्या ना करो, इसलिए तुम्हारे मुंह पर पट्टी बांध दी गई कि ये काम आपको नहीं करना, पट्टी बंदी काम सब, लेकिन हमारे यहाँ कोई पट्टी नहीं मिलते। देख लीजिए आप, हमसे लोगों ने कहा कि महाराज आप मास्क नहीं लगाए हो,
हमने कहा हम मांस खाते नहीं, हम भाई मांस क्यों लगाए, जो मांस खाता वो मांस लगाए, अपना मुंह बंद करे। हकीकत तो ये है, मुंह बंद करने के क्या मतलब, और नुकसान है कि खुली हवा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, एक बीमारी और पैदा कर देंगे, ये तो बीमारी बढ़ाने वाला काम। इसलिए नाक और मुंह परमात्मा प्रकृति खुला रखा कि खुला रखो, खुली ऑक्सीजन लो, अच्छी बुरी हवा का महसूस करो तो उससे बच जाओगे, और ये तुम्हारा मुंह बंद कर दिया, वही हवा अंदर की आती जाती बार 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 वही अप डाउन कर रही है, उससे लाभ क्या मिलेगा आपको कि फेफड़ों को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, कमजोर हो जाएंगे, ये तो एक नई बीमारी पैदा करने वाली है। इसलिए हमारे आए कुछ, मैं तो कहता भी हूं अगर हमारी बात मान लो तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल ये भारत भूमि राम की धर्म भूमि, कृष्ण की कर्म भूमि, संतों की योग भूमि है, इस पर से ये गंदा खान पान आप बंद करा दीजिए, और जीवों की निर्दोष हत्या है ये बंद करा दीजिए, तो ये बीमारी देश से चल जाएगा, बीमारी कोई है ही नहीं, बीमारी गंदे खान पान और गंदे कर्मों से आती, ये दोनों काम खुले और बाकी संबंध क्या मतलब निकले। इसलिए आप वचनों को सुनो, सही सच्चे रास्ते पर चलो, आगे इसी रास्ते की जरूरत है, इन्हीं लोगों की जरूरत पड़ेगी, अच्छे लोगों की, सच्चे ईमानदार चरित्रवान साकारी सदाचारी, इन्हीं लोगों की जरूरत, इन्हीं से परिवर्तन होगा, और ये सब भी सुख शांति का काम इन्हीं के द्वारा होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, कौन लाएंगे कलयुग को, कौन भगाएंगे, सच्ची सुख शांति कौन देंगे, जय गुरुदेव। अब आपके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा, एक एक का दर्शन करूंगा, प्रणाम करूंगा और प्रसाद करूंगा, ये तीनों काम आपके लाभ के, और पर्व कल रक्षाबंधन का मतलब कुछ और है, न जानकारी होने के कारण कहां से कहां जाके फंसा दिया, और सच्चाई अच्छाई से दूर कर दिया, वो तो कल पर्व है, कल आपको बताऊंगा कि रक्षाबंधन का मतलब क्या है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया, कल आप थोड़ा जल्दी आइए, आज तो मैंने ढील इसलिए दी कि थोड़ा मौसम खराब था, अरे मौसम खराब रहा कुछ बहादुरी तो इसी बात की है कि आपको हर हालत में तैयार होना, चले तूफान या आंधी उन्हीं से होल लेना है, जलाकर धर्म का दीपक जगत को ज्योति देना है, जय गुरुदेव। जब ये काम करके दिखाना, क्या बरसात क्या धूप क्या आंधी, यही तो कुदरत परीक्षा ले रही, यही परीक्षा, इसी परीक्षा में आपको पास होना और अपना बिगड़ा काम बना देना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सबके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ, देखो आप मर्यादा में लाइन पे खड़े होते, ये भगदौड़ मत करिए, जो सबसे पीछे आएगा उसकी तपस्या मानी जाएगी, उसका लाभ अलग है, इंतजारी का लाभ अलग होता है।
और आप इंतजारी न करके बंदरबाजी कर लेते, इसका क्या मतलब? जब मैं एक से मिलने मिल रहा हूँ, एक एक का दर्शन करूंगा, एक को उनको प्रणाम करूंगा, तो आप भगदड़ करो तो काम कैसे होगा? एक लाइन पुरुषों की, एक महिलाओं की। अभी मैं अभी डेढ़ दो घंटे मिले लेता हूँ आपसे, नहीं कोई एक कहेगा हम गए थे मिले भी नहीं हूं। अब एक बार ही इतने लोगों से मिलना तो बड़ा मुश्किल, तो मैंने एक व्यवस्था बना दी कि आप लाइन से खड़े हो जाओ, हम सबसे मिलेंगे, सबसे। कोई नहीं कह सकता हमसे मिलेंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि में कोई गरीब अमीर, कोई छोटा बड़ा, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई हिंदू मुसलमान, कोई स्त्री पुरुष, ये हमारी दृष्टि में नहीं। मैं केवल एक जीवात्मा को देख रहा हूं, वो इन्हीं मनुष्य खोल में बैठी, मैं उसी को प्रणाम करता हूँ, उसी को मना रहा हूँ कि जल्दी से मान और चल अपने घर को, तेरा घर यहाँ नहीं है। जय गुरुदेव। एक बात ध्यान से सुनो, मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि सत्संग में बेटी बन के आओ, बहू बन के नहीं। कोई ये बच्चे पर यहां पढ़ने की क्या जरूरत है? संत मत बहुत सादगी का, जितनी सादगी में आओगी तुम्हारा मन खराब नहीं होगा, तुमको देख के दूसरों का मन खराब नहीं होगा। कहां ये बनावट सजावट, इसकी जरूरत है? और बाद में कोई नुकसान हो जाता फिर आप कहते हो हमारा मंगल सूत्र चला गया, हमारे गले की जंजीर कट गई, अंगूठी निकल गई है। बिल्कुल यहाँ सादगी में आइए आप, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो लेने आए हो वो सादगी में ही मिलता, वो निर्मलता चरित्रता पवित्रता में मिलता है, वो सजावट बनावट दिखावट में नहीं मिलता। इसलिए यहाँ कोई फैशन की जरूरत है, संत मत सादगी का मत है, और आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, जो लाभ लेने आए लाभ मिल जाएगा। इसलिए यहाँ कोई फैशन करके नहीं, अपनी सुरक्षा करो, तुम जानो तुम्हारा काम, बाद में आप शिकायत मत करना कि हमारा जेवर निकल गया, हमारा ये हो गया, इसकी क्या जरूरत है? पैसे मिलाए हो तो कार्यालय में जमा कर दो, जब यहां से चलो उनसे ले लो तो पैसे भी तुम्हारी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन तुम जब नियम का उल्लंघन करते हो, मर्यादा को भूल जाते हो, तभी आप परेशानियों में चले जाते हो। इसलिए ये काम करके आम रोज बताया जाता, अब आप लाइन में खड़े हो जाओ, मैं एक एक का दर्शन करूं, एक एक को प्रणाम करूं, और प्रसाद भी आपको मिल जाएगा, तीनों काम आपको हो जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। लाइन से खड़े हो जाओ, मैं अभी दो घंटे मिले लेता हूं आपसे। इसीलिए अगर आप वहां वो इधर है
खड़े होने के लिए दीदी